हमारी सारी वीडियो हाई क्वालिटी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनिमल कॉलोनी चैनल को और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्वागत करता हूँ एनिमल कॉलोनी की एक नया फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको लैब्राडोर डॉग के बारे में बताऊंगा। अगर आपको एक लैब्राडोर डॉग लेना है तो पहले आपको प्योर ब्रीड लैब्राडोर पपी पहचानना है। कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसको क्या क्या फूड देना पड़ेगा फूड के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपको क्या क्या वैक्सीनेशन उसको करना पड़ेगा उसके वैक्सीनेशन की भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, ताकि आप लैब्राडोर डॉग के बारे में डिटेल में जान सके। असली लैब्राडोर पपी पहचानने का 4-5 तरीका है। फर्स्ट तरीका मैं बताऊंगा उसका कोट कलर। अब पहले खरीदने के वक्त आप उसका कोट कलर चेक कीजिए। वो 3 कोट कलर में आते हैं, ब्लैक, चॉकलेट, येलो, और इसके शेड में भी आते हैं, लाइट और डार्क के शेड में। लेकिन लेते वक्त ये जरूर चेक कर लेना कि इसके कोट में कोई भी निशान है कि नहीं। अगर कोई भी निशान है तो ये प्योर ब्रीड नहीं है, प्योर ब्रीड में कोई भी तरह का निशान नहीं होगा दूसरे कलर का। इसके साथ में और भी एक बात बोलना चाहता हूँ, इसके कोट कलर बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी होते हैं, ये जरूर चेक कर लेना। लैब्राडोर पपी को पहचानने का दूसरा तरीका है इसका टेल चेक कर लेना। इसका टेल पीछे की तरफ सीधा होगा, कहीं से भी फोल्ड और कर्व नहीं होगा, थोड़ी ऊपर नीच हो सकती है। मुड़ी हुई टेल का पपी प्योर लैब्राडोर पपी नहीं होता है। तो दोस्तों लेते वक्त ये जरूर चेक कर लेना। इसको पहचानने का तीसरा तरीका है इसका ईयर्स। इसके ईयर इसके फेस के साथ चिपके हुए होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं, कई उठे हुए और मुड़े हुए नहीं होता है। इसको पहचानने का चौथा तरीका है इसका चीक्स। इसका चीक्स थोड़ा ढीला होता है और नीचे की तरफ होते हैं, और किसी भी लैब्राडोर पपी का चीक्स टाइट नहीं होते हैं। इसको चेक करने का फिफ्थ तरीका है इसका लेग का बोन। इसका जो लेग का बोन होता है ना, वो हेवी होता है, ये जरूर आप देख लेना। और उसका पंजा भी देख लेना, वो पंजा बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत तगड़ी होते हैं। लेने के समय ये देखना ना भूलें। एक अच्छे लैब्राडोर पपी लेने के समय आप ये जरूर चेक कर लेना ये लेजी तो नहीं है, क्योंकि लैब्राडोर पपी कभी लेजी नहीं होते हैं, वो हर वक्त एक्टिव रहता है। और लेने के समय हो सके तो ये भी चेक कर लेना कि उसके मदर का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे कि आई प्रॉब्लम। अगर उसका मदर का आई प्रॉब्लम है तो ये पपी में भी आ सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके प्राइस पे। इसका प्राइस लगभग 8,000 से 15,000 के बीच में ही होता है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप जब पपी खरीदेंगे तब आपको क्या क्या जानकारी ब्रीडर से ले लेना चाहिए और ब्रीडर से क्या क्या पूछ लेना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा हूँ। आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके फूड गाइड में। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर या डाइटिशियन नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको जो फूड चार्ट या फूड गाइड दूंगा ये 90% केसेस में ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन 10% केसेस में ये सक्सेसफुल ना भी हो सकती है, क्योंकि हर एक पपी का जेनेटिक एक नहीं होता। कुछ भी कुछ पपी का जेनेटिक तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होता ही है, उसके लिए उसका अलग से फूड चार्ट है, उसके लिए आपको एक डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। पपी का एज 0 डेज से 20 डेज के बीच में है तो उसको मदर्स मिल्क ही देना चाहिए। अगर आपको मदर्स मिल्क ना मिले तो आप फूड सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टोल, आरसी बेबी मिल्क पाउडर। ये पाउडर आपको 20 या 30 ml करके दिन में 4 या 5 बार पिलाना है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको काउ या बाफेलो मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पपी का या एलर्जी हो सकते हैं या लूज मोशन हो सकते हैं। 20 डेज से 3 मंथ के बीच में मैं आपको रिकमेंड करूँगा पपी स्टार्टर फूड, ये आपको दिन में 4 बार देना होगा। इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा मैश्ड बॉइल्ड राइस विद दाल पानी मिला के आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट नहीं देना चाहिए। 2 महीने के बाद से आप धीरे धीरे इस फूड में बॉइल्ड मैश्ड एप्पल ऐड कर सकते हैं, लेकिन एप्पल की सीड्स और स्किन निकाल के देना। 3 महीने का एज से 6 महीने के एज के बीच का जो फूड होता है वहाँ पर आपको पप्पी फूड देना होगा दिन में 4 बार। और पहले वाला जो पप्पी स्टार्टर फूड होता है ना, वो आपको स्टॉप कर देना है। इसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा करके सलमन ऑयल ऐड करना है उसके बालों के लिए, ये आपको 5 ml करके स्टार्ट करना है। अब जो आप एप्पल देंगे ये एप्पल नॉर्मल फ्रेश एप्पल होंगे, लेकिन एप्पल का सीड्स और स्किन निकाल के देना, कोई बॉइल्ड एप्पल नहीं देना है, ये आपको डेली देना है। इसके अलावा आप बॉइल्ड राइस दे सकते हैं और इसके साथ बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं।
राइस का क्वांटिटी हाफ कप देना है। और आप सिंपल खिचड़ी भी दे सकते हैं दिन में एक बार, इसमें आप दही भी ऐड कर सकते हैं। ये आप पपी फूड के साथ भी दे सकते हैं या अलग भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बॉइल्ड पम्पकिन कद्दू ऐड करना है 100 से 200 ग्राम डेली। उसमें आपको 5 ग्राम गाटरवेल पाउडर ऐड करके आपको खिलाना है दिन में एक बार। इसके अलावा आप अच्छे मसल ग्रोथ के लिए एक बॉइल्ड एग दे सकते हैं एक दिन के गैप में, मतलब एक दिन दे दूसरे दिन ना दे, इस तरह आप दे सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ की एज से 15 मंथ की एज के बीच में आप पपी फूड दिन में 2 बार दीजिए और इसमें 10 ग्राम सलमन ऑयल ऐड कर सकते हैं। बॉइल्ड पम्पकिन आपको देना पड़ेगा इस एज में 300 ग्राम के आसपास विथ 10 ग्राम गाटरवेल पाउडर मिक्स करके। एप्पल का साइज थोड़ा बड़ा लेना और एप्पल के देने का तरीका सेम है, सीड्स और पिन निकल के फ्रेश एप्पल देना। सेम तरीके से आप बॉइल्ड राइस का भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसको आप दही और दाल पानी के साथ एवरी अल्टरनेट डे आप दे सकते हैं। इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट, बीन, टोमेटो आप दे सकते हैं। और बॉइल्ड एग को भी आपको उसी तरीके से देना पड़ेगा इस एज में भी एक अल्टरनेटिव डे में। इसके साथ आप चिकन भी दे सकते हैं अच्छे मसल और ग्रोथ के लिए, लेकिन चिकन 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना। और चिकन लीवर भी आप दे सकते हैं लेकिन एक अल्टरनेटिव डे में। 15 महीने के बाद जब आपका डॉग एडल्ट हो जाएंगे तब आपको एडल्ट डॉग फूड देना है दिन में 2 बार और उसके साथ आपको ये चार्ट फॉलो करना है। नेक्स्ट आते हैं इसके वैक्सीनेशन पे। पपी का वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक पपी खरीदे हैं तो उसका वैक्सीनेशन आपको जरूर कराना होगा। अगर आप लैब की एक पपी खरीदे हैं तो उसका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जान लीजिए। आप जहाँ से पपी खरीदेंगे वहाँ से पपी का डेट ऑफ बर्थ जरूर पता कर लेना, क्योंकि उसी डेट ऑफ बर्थ को नजर रखते हुए ये वैक्सीनेशन का प्रोसीड्योर स्टार्ट होगा। नॉर्मल केसेस में वैक्सीनेशन स्टार्ट होते हैं 6 वीक्स के बाद, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर पपी को मदर्स मिल्क ना मिले तो उसको 20 डेज के बाद एक DHP वाला वैक्सीनेशन जरूर देना। 6 वीक्स यानी 42 डेज के बाद आप DHPPI वाला वैक्सीनेशन जरूर देना। इस डेज से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं करना। इस दिन से अगला 20 डेज के बाद दूसरा वाला वैक्सीनेशन आपको देना पड़ेगा। ये वाला वैक्सीनेशन पहले वाला वैक्सीनेशन का बूस्टर होता है। अगर मान लिया जाए आप 45 डेज में पहला वाला वैक्सीनेशन दिया है तो नेक्स्ट आपको 65 डेज में दूसरा वाला वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आपको फिर 20 डेज के बाद आपको एंटी रेबीज वाला तीसरे वाला वैक्सीनेशन आपको जरूर देना होगा। उससे भी 20 डेज के बाद फिर DHPP वाला वैक्सीनेशन आपको देना पड़ेगा। उससे 20 डेज के बाद आपको फिर DHPP वाला का बूस्टर वर्सन आपको देना पड़ेगा। इससे 20 डेज के बाद आपको फिर से एंटी रेबीज वाला का बूस्टर वर्सन आपको देना पड़ेगा, यानी आपको 150 डेज के अंदर 6 वैक्सीनेशन को देना पड़ेगा। इसका एक जिस्ट किया जाए तो ऐसे होगा, फर्स्ट 45 डेज में आपको DHPP वाला वैक्सीनेशन, नेक्स्ट आपको 65 डेज में DHPP वाला का बूस्टर वर्सन, नेक्स्ट आपको 85 डेज में एंटी रेबीज वाला वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, नेक्स्ट 105 दिन में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का वैक्सीनेशन, फिर 125 डेज में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का बूस्टर वर्सन, नेक्स्ट आपको 145 डेज में देना पड़ेगा एंटी रेबीज वाला वैक्सीनेशन। ये 6 वैक्सीनेशन आपको 155 डेज के अंदर देना पड़ेगा। इससे आपका डॉग 1 साल तक सुरक्षित रहेंगे। अगले साल से आपको सिर्फ 2 टीका लगाना होगा, एक एंटी रेबीज वाला और एक DHPP वाला का बूस्टर वर्सन। ये आपको लगाना पड़ेगा लास्ट एंटी रेबीज का डेट से 1 साल बाद। DHPP वाला का भी सेम प्रोसीड्योर, उसका लास्ट डेट से 1 साल बाद। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि DHPP वाला इंजेक्शन कभी नॉर्मल टेम्परेचर में मत रखिए, इसको हमेशा आइस बैग में या फ्रिज में रखिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर 8 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ये कुछ काम नहीं करेगा, ये डेड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके प्राइस पे। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 300 रुपीज से और आप ऊपर जब जाओगे, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अब मैं इस डॉग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये डॉग बहुत ही फ्रेंडली डॉग है, अगर इसको ठीक से ट्रेन किया जाए तो ये आपका बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन सकती है। इसका एवरेज हाइट मेल का होता है 57 से 62 सेंटीमीटर के अंदर और फीमेल का हाइट होता है एवरेज 55 से 60 cm के अंदर। इसका एवरेज वेट होता है मेल का
28 से 35 या 36 के अंदर और फीमेल का होता है 25 से 33 और 34 के अंदर। इसका लाइफ स्पैन है 10 से 15 साल का। डॉग नहीं है ये, एक फ्रेंडली डॉग है। ये सोशलाइज बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस डॉग का वेट कभी आप ऊपर मत कीजिए, क्योंकि इसका नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि एक्टिव है ना, हर वक्त एक्टिव रहने से ये कभी कभी जंप भी कर देता है। अगर ये ऊपर से जंप कर दे तो इसका हड्डी टूट जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड फ्लोर में इसका बेट कीजिए, ताकि इसका कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको एनिमल वर्ल्ड के साथ जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।